आप सभी लोग स्वागत करता हूँ पावर लंच चैनल में। तो मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आदित्य। तो भाई यार, आज हम लोग करने वाले एक गजबदार गेम प्ले पबजी मोबाइल लाइट का। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोग को अपनी इन्वेंट्री दिखाता हूँ। उसमें ये वाली जो पैंट है ना, जो लेजेंडरी है, वो मेरी फेवरेट है। हेलमेट की स्किन है, बैकपैक की स्किन है। अगर इसमें सीजन 3 से खेलता आ रहा हूँ और इवन सीजन 4 अपन लोग एस के प्लेयर रह चुके हैं। तो चलो इधर मैचिंग को स्टार्ट कर देते हैं। और भाई क्योंकि मैं VPN लगा रहा हूँ तो मैचिंग को इधर टाइम लगता है, तो मैं उसको एडिट कर दूँगा, आप लोग टेंशन मत लो यार। ओके, तो भाई यार हम लोग का गेम हो चुका है एकदम शुरू। तो भाई यार इस गेम में हमारा गोल होने वाला है 10 kills का। तो भाई फुल रश गेम प्ले है, रैंडम टीम है, मतलब कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, सोलो भी स्क्वाड ही हो जाता है वो, क्योंकि भाई ये लोग ना रेव देते हैं ना रेव लेते हैं, और भाई ऑफलाइन चले जाते हैं दो दो बंदे। तो फिलहाल भाई यार ये आ चुके हैं हम लोग हमारे लोडिंग पेज पे। भाई ये ब्रिज जो इन लोग दिखाते हैं ना, मेरी पबजी लाइट वालों से दरख्वास्त है ये ब्रिज ऐड भी कर दो, ये ब्रिज है नहीं गेम में फिलहाल। भाई ये ब्रिज ऐड कर दो यार, बहुत मस्त ब्रिज है। एंड हेयर वी गो। तो सबसे पहले अगर तीनों को अपन लोग फॉलो करवा लेते हैं, क्योंकि भाई सीधी बात है अलग अलग कूदेंगे तो भाई 10 seconds भी नहीं टिक पाएंगे ये लोग, क्योंकि भाई फिर कूदेंगे ये लोग थर्ड हिल पे। तो फिलहाल भाई यार यहाँ पे ऊपर चढ़ के रिमोट करते हैं। तो यहाँ ऊपर हम चढ़ चुके हैं भाई, मोट देख रहे हो ना कितने सारे हैं, डर करने नहीं दे रहे यार ये प्लेन के ऊपर, नाटक है इनका। यहाँ पे करूँगा मैं तो, यहाँ पे भी नहीं करने दे रहा, ज़मीन पे करूँगा ये वाला, ये मेरी फेवरेट इमोट है यार। अरे हो जा, हाँ ये मेरी एकदम फेवरेट इमोट है, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत मस्त लगता है मेरे को। तो भाई यार फिलहाल इधर हम लोग आ चुके हैं हमारे प्लेन में, प्लान ही कैसे हम लोग जाएंगे प्रिस्मॉर्क। चलो भैया जल्दी से वहाँ पे एक मार्क लगाते हैं और जल्दी से आप लोग जंप करते हैं। भाई जब हम जंप कर रहे थे ना तो एक दो नंबर किटर पिटर किटर पिटर किटर पिटर बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, समझ नहीं आता क्या बोलना चाह रहे हो भैया, ये भाई कहना क्या चाहते हो। चलो भैया जरा हम लोग पहुँच गए थे जहाँ में जाना था, तो फिर भाई हमने थोड़ी सी स्पीड को कर दी इंक्रीज और लैंड कर लिया हम लोगों ने। मतलब यार पैराशूट मेरे पास सीजन 4 एस वाला भी है, बट भाई मैंने सुबह ही गेम डाउनलोड किया है और अभी मैं पोस्ट भी कर रहा हूँ तो भाई मैंने डाउनलोड नहीं किया। तो फिर भाई जल्दी से कहते यहाँ पे वेस्ट ले लेते हैं, लूटिंग में ज़्यादा टाइम अपन लोग ख़राब करते नहीं हैं। भाई रश गेम प्ले और हमें मिल गई है बिजॉन। भाई गन बिल्कुल इसके नाम के जैसी है, यूजलेस भाई नाम इसका एकदम बेकार सा। और भाई ये दो नंबर कितना किटर पिटर कर रहा है इतना। और भाई यहाँ पे आके हमको मिल जाती है हमारी फेवरेट गन MP5 गन। और यार AR का हम सप्रेसर भी उठा लेते हैं यार, क्योंकि चलाने का आखिर में AR ही है। भाई हमें यहाँ पे एक और बेकार सी झंडू सी गन मिल जाती है जिसका नाम भाई PP19 बजान। फिर यहाँ पे हमको भाई यार बहुत सारी लूट मिल जाती है। फिर हम लेते हैं भाई यार यहाँ पे बिजॉन के बदले फेवरेट M16A4, क्योंकि भाई हमारे पास 3x भी था। तो भैया पिटर पिटर हम भी करेंगे अब, पिटर पिटर भाई पूरी स्प्रे डाल दूंगा आज तो मैं बर्स्ट मोड पे। भाई तुम्हारा भाई पीरो है, पीरो आई एम द प्रो ऑफ द प्रो एंड द पोस्ट ऑफ द प्रो, हूँ मैं प्रो। फिलहाल भाई यार यहाँ से हम लोग एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ ले लेते हैं। फिर हम पता चलते हैं कि यार यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं। फिर भाई यार तुम्हारा भाई यार ऐसा स्कोप खोलते हैं और बर्स्ट मोड पे धड़ाधड़ भाई लगता है ये गाढ़ा वाढ़ा पी के आया था, देखा नहीं कितना गोली खा लिया। फिर हमको पता चलता है कि पीछे भी एक बंदा छुप रखा है, फिर हम इसको भी गिरा डालते हैं, ठीक है। फिर हमको पता चलता है यहाँ पे एक बंदा नॉक हो गया था, तो फिर हम इसका पेटी लूटने आते हैं और हमको भगवान मिल जाता है, यानी कि M416 इसके 3x का स्प्रे, मतलब भैया जी जन्नत नसीब होगा जो खाएगा। तो फिर भैया हम इसको अपनी प्यारी M4 का स्प्रे देते हैं और इसको भी फिनिश कर देते हैं। तो भाई 2 kill हो चुके, ज़्यादा नहीं, और 8 kill करना है, ज़्यादा थोड़ी होते हैं, तुम्हारे भाई के लिए कोई भी नंबर बड़ा नहीं है, है ना। तो फिलहाल भैया इसकी पेटी जब हम लूटने आते तो पता चलता है यार ये बंदे को लूटने की बहुत जल्दी हो रही है। तो फिर भैया हम लोग यार थोड़ी सी लूट लेने चले जाते हैं। भाई पूरा प्रिस्मॉर्क हम लोगों ने खाली कर दिया था पूरा लोकेशन, और इसके साथ जो किटर पिटर दो नंबर भैया कर रहे थे, भैया ही ऑफलाइन निकल लिए, कहा बताएं भैया ही ऑफलाइन निकल लिए। तो फिर भाई यार हम यहाँ पे लूटिंग कर रहे होते हैं, हमें कुछ खास मिलता नहीं है। फिर हम अंदर देखते हैं तो अंदर में हमें एक और 3x मिल जाता है, जिसको भी हम हमारी MP5 के में लगा लेते हैं। भाई 3x बहुत गजबदार स्कोप है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, हमको यहाँ पे स्नोबॉल मिलता है, हम उठा लेते हैं। फिर सेलिब्रेट दबाते हैं, एक और स्नोबॉल मिलता है, वो भी उठा लेते हैं।
फिर यहाँ पे एक बंदे की हमको पेटी मिलती है जिसके पास बस कपड़े होते हैं। फिर हम यहाँ से एक बम उठा लेते हैं, क्या है ना, अब जिस बंदे को हम बंदूक से नहीं मार सकते उसे बम से मारेंगे, क्योंकि भाई हमें हमारे टीममेट को ही बम से मारना है भाई। मतलब इतना किटर पिटर करके हमारा कान दुखा दिया और अब साल ऑफलाइन बैठ गया है। बट भाई हमारी किस्मत थोड़ी खराब होती है, मरता नहीं है बंदा, बट हेल्थ बहुत डाउन कर लेता है। तो फिर भैया हम सोचते हैं कि यहाँ पे थोड़ी बहुत लूटिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास कोई बूस्टर वगैरह कुछ खास में था नहीं, बूस्टर टाइप, ठीक है। तो फिर यहाँ से भाई यार हम लोग बाहर निकल लेते हैं। यहाँ पे हमको एक और पेटी दिखता है, जैसे ही हम पेटी खोलते हैं हमें फिर से कचरा ही मिलता है। तो फिर भाई हम सोचते हैं कि कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाती तो मस्त ऐसा निकल जाते यार अपन लोग। वही आया था हमारे पास ड्रॉप, मस्त ड्रॉप आया था। तो भाई हम सोच रहे थे कि लेके आते हैं ड्रॉप, अगर उसके अंदर मिल जाती AWM विथ ATAGS तो भाई फिर 100 बंदे मार देते हम। 100 गोली नहीं होती उसमें, नॉक करते बस हम उससे, फिनिश हम अपनी फेवरेट गन से करते। फिर जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमको दूर में लगा गाड़ी है, तो हम अपना बंदूक निकाले और पिक करके देखे, गाड़ी है ना, हाँ गाड़ी है। तो अब हम भागे भाग गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, हम सोचे जल्दी से जाके ड्रॉप लूट के आ जाते हैं कि हमसे पहले अगर कोई और लूट लेगा तो फिर साला घाक डाल के बैठा होगा हमारे, जाते ही हमारे सर पर टीका लगा देगा हमको। तो हम इसलिए फटाक से मार्क लगाते हैं ड्रॉप के ऊपर, और ये बग्गी रहती है तो हम सोचते हैं स्मोक निकाल लेते हैं, कोई होगा तो एक स्मोक फेंकेंगे सर पे, उसके खोपड़ी फोड़ देंगे स्मोक से, फिर भागेंगे बग्गी लेके इस स्पीड में। फिलहाल भाई यार हम लेते हैं हमारी प्यारी छोटी सी बग्गी, यहाँ पे डालते हैं गाइस इसमें हम लोग तेल। भाई तेल तो पूरा है, क्योंकि भाई हम कल भी इसी बग्गी को चलाए थे और तेल भरवा के लाए थे ना, इसलिए तेल पूरा है। तो भाई यार हम लोग थोड़े है ना भाई गियर चेंज कर लेते हैं, पहले गियर पे था हम दूसरे में डाल लेते हैं। तो फिर भाई यार हम लोग ये ब्रिज को एकदम आहिस्ते आहिस्ते क्रॉस करते, क्या आहिस्ते आहिस्ते। तो फिलहाल भैया हम लोग यहाँ पे लाते हैं और गाड़ी को हम ठोक देते हैं, फटाक से हम उतरते हैं। हम सोचते हैं कोई आए उससे पहले हम लूट के निकल जाते हैं, यहाँ के हम फटाक से क्राउच कर लेते हैं और हमको मिल जाती है हमारी फेवरेट गन यानी कि MK15। फिर भाई MK ले लेते हैं। यहाँ पे भाई यार सामान फेंकने के चक्कर में हम 2-4 बार MK वापस उठा फेंक दिए थे। तो फिर भाई हमने यहाँ पे एक बार और MK उठाई, सामान फेंकने लगे, फिर से MP5 के उठ गई। इस बार हम MK उठाए और भाई यहाँ से सोचे अब निकलते हैं ना, क्या है धुआं खत्म हो गया है, मेरे जैसे लोग भाई धुआं खत्म होने के बाद ही लूटने आते हैं, क्या है फिर पता नहीं चलता ना ड्रॉप कहाँ है। तो फिर हम सोचे कि चलो यार अपने टीममेट के पास वापस चलते हैं, वहीं बैठ कर रिलोड विलोड करेंगे, बंदे बंदे होंगे उनको भाई नॉक ऑफ कर देंगे, और क्या किल चाहिए, डैमेज चाहिए, हमें पहुँचना है भाई इस सीजन AS अभी हमें सिल्वर में, क्योंकि भाई इतना सीजन से हम खेल नहीं रहे। तो अभी भाई हम थे सिल्वर 3 में, इस मैच के बाद हम आ जाते सिल्वर 2 में, हमको जाना है इस सीजन में AS। तो फिलहाल भैया हमारे टीममेट आने की, एक नंबर भी आने की गजब कोशिश करता है बट हम आने नहीं देते। फिर यहाँ से हमको AR का सप्रेसर और 7mm का सारा गोली मिल जाता है जो हमारी MK में लग जाता है। फिर हमको यहाँ से थोड़े से बैंडेजेस मिलते हैं और भाई आर्मर तो है ही भाई सबका लेवल 3 का, बहुत मस्त वाला। फिर भाई हमको यहाँ पर जो है भाई एक्सटेंडेड मिलता है, तो हम फटाक से लेट जाते हैं। उसके बाद भाई हम सारा का सारा कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जो लगता है लगा लेते हैं, और ये 9mm का सारा गोली हम जो है ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद भाई हम सोचते हैं थोड़ी देर यहीं पर रहते हैं। फिर हमको यहाँ से फायर का साउंड आता है, हम अपना 4 फिंगर क्रॉस स्कोप खोलते हैं, हमें बंदे का फायर दिखता है, फिर किटर पिटर करके बंदा नॉक, दूसरा हमको उसका फायर ही दिखा था, बंदा नहीं दिखा। हमको लगा 3 नंबर मार लेगा यार उसको, बट भाई तुम्हारा भाई कति पीरो है पीरो, भाई किल तुम्हारे भाई को ही मिला उसका। तो फिलहाल भाई यार मारे हो चुके थे यार 2 किल्स और 1 बंदा नॉक, यानी कि टोटल में देखोगे तो यार 3 किल हो चुके थे, अभी हो गए 3 किल, हमारी टीममेट नॉक कर दिया। हम फटाक से अपनी बग्गी में बैठते हैं, सोचते हैं चलो थोड़ा सा लूट करके आते हैं, क्योंकि भाई एक रेड डॉट था नहीं हमारे पास, क्लोज में फाइट हो जाती तो उसको फटा के मारना पड़ जाता, जो कि यार हमको डेथ के क्लोज ले जाता और हम फिर मर भी जाते। तो हम यहाँ पर फटाक से अपना गाड़ी को ठोक देते हैं, फिर यहाँ पर आके मस्त अपना पेटी खोलते हैं, हमको 5mm का गोली मिल जाता है जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर हम सोचते हैं यहाँ पे एक और बंदा था तो बैठ कर उसकी पेटी लूटने चलते हैं, इतनी देर में हमको वो बंदे का पेटी यहीं पे दिख जाता है। तो फिर हम जो है अपनी गाड़ी से उतरते हैं, 3 नंबर को बोलते हैं चला ले भाई चला ले आज तू गाड़ी, बट वो बंदे को लूटना था तो हम उतर के हम भी लूटने चले गए, क्या संगत का असर आ जाता है ना कभी कभार।
तो हम जब इसको लूटे तो पता चला इसके पास तो कुछ भी नहीं था। फिर ये बंदा बैठ गया था, हम सोचे टायर फोड़ देते हैं। फिर हम सोचे ये बंदा हमको हमारा किल को फिनिश कर दिया, मतलब अच्छा खेलता होगा, तो हम पीछे बैठ गए। बट वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ये बंदा गाड़ी थर्ड हिल की तरफ मोड़ा, बहुत तेज भगाया, हमको लगा थर्ड हिल का मेन बिल्डिंग पे रोक देगा, हम इसलिए अपना M4 निकाल लिया। इतनी देर में एक नंबर का किटर पिटर चालू हो गया M4 से। हम बोले उसके पास लेके चलो, वो बोले ठीक है भैया उसके पास चलते हैं। बट ये भैया कहाँ से लेके जाते हैं वो देखिए, पहले तो गाड़ी ठोकते हैं, ठोकने के बाद ऐसा यूटर्न ले जा कर सीधा पानी में ही घुसाड़ देते हैं गाड़ी, ये देखिए पानी में घुसाड़ दिए। फिर हम फटाक से एग्जिट करते हैं, हम ऐसा ऊपर आते हैं पानी के, फिर हम फटाक से चल जाते हैं थर्ड हिल के ऊपर। भाई थर्ड हिल जाने के बाद हम जो है ना सोचते हैं किसी बिल्डिंग वल्डिंग में चलते हैं, आराम से अपना खेलेंगे, सेफ खेलेंगे, ज़्यादा अग्रेसिव खेल के क्या ही मिल जाएगा, सेफ खेलते हैं। यही सोच के हम सोचे कि नीली वाली बिल्डिंग में चलते हैं। इतनी ही देर में हमारा एक नंबर भैया माइक पे बोलते हैं हम ड्रॉप लूट रहे हैं, M249 है, किसी को चाहिए तो आ जाओ। हम बोलते हैं नहीं चाहिए हमारे पास MK, कुछ नहीं चाहिए हमको। तो भैया ले लेते हैं हमारे, तो फिर भैया हम यहाँ पे आते हैं, हमें फर्स्ट एड मिल जाती है और बिजॉन जैसी एक रद्दी सी गन मिल जाती है जो हमें चाहिए ही नहीं थी। फिर हम यहाँ पे स्कोप करके थोड़ा सा देखते हैं, क्या 8x होता तो दिख भी जाता कोई, बट क्या करे 3x था। तो अब जितना में दिखा उतना हमको कोई बंदा दिखा नहीं खास। तो फिर हम सोचे चलो नदी के उस पार एक नंबर के पास चलते हैं, वो थोड़ा सा उधर पे ज़्यादा ही बंदे आएंगे क्योंकि मेन सर्कल है, ठीक है। तो हम फिलहाल यहाँ पे सोचते हैं पेड़ के पीछे खड़े होकर जो है ना एक शॉट लगा लेते हैं, एंडरलिन शॉट, भाई बहुत मज़ेदार शॉट है, लगा के मज़ा आ जाता है, कभी ट्राई जरूर करना, हम बताए दे रहे हैं। फिर भैया 3 नंबर मारे ऑफलाइन चले जाते हैं, हम कूद कूद के इनको मुक्का मार देते हैं। पहले तो हमारा गाड़ी फोड़ दिए, तो गाड़ी पानी में घुसाड़ दिए, उसके बाद भैया यहाँ पे आके ऑफलाइन भी हो गए, इससे अच्छा हमको हमारी गाड़ी ही दे देते। तो फिर भैया हम जो है फटाक से एकदम एक नंबर के पास जा ही रहे होते हैं, मतलब जा ही रहे होते हैं, मतलब सच्ची बता रहे हैं जा ही रहे होते हैं, सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ, जा ही रहे होते हैं, एकदम पास में पहुँच ही गए होते हैं कि हमें पीछे से साउंड आने लग गया। अभी देखो ये देखो साउंड आ गया, हमें पता चल गया कम से कम तीन बंदे हैं उधर पे, और ये 3 के 3 किल हमें चाहिए, क्योंकि भाई एम कितने किल का है, 10 किल का है। तो भाई फिलहाल हमें पता चलता है कि एक बंदा तो नॉक हो गया, मतलब एक बॉट जो था यहाँ से ख़त्म हो चुका था, 2 बॉट हमारे और बाकी थे। तो हम जो थे फटाक से यहाँ पे आए आउट ऑफ द जोन, भाई जोन बना था उस एक नंबर के पास, है ना, रैंडम है भाई, तीनों रैंडम है, हमने आपको बता दिया, ठीक है। हम खिटर पिटर कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ भी नहीं बोल ही नहीं रहे थे हम तो। फिर हम जब यहाँ पे थोड़ा सा आके आए तो हमको कोई दिखा ही नहीं, कोई भी नहीं दिखा, मतलब दिखा ही नहीं। फिर पता चला कि 3 नंबर जो है हमारा दोस्त, उस पर कोई गोलाबारी कर रहा है। हम यहाँ से ऐसा गए, हमको बंदा दिखा, हम स्कोप खोले, एक ही स्प्रे में बंदा ख़त्म बंदा। मतलब भाई MK गन का नाम ही इतना मस्त है। फिर भाई हम ये बंदे का पेट ही छोड़ दिए, क्योंकि भाई इस बंदे को कोई और भी मारने का कोशिश कर रहा था, तो भाई हम इस बंदे का पेट ही नहीं लूटे, हमको लगा देख लेगा तो हमको भी नॉक वॉक कर देगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे स्कोप खोल के देखे, हमें लगा कोई बंदा होगा तो किल विल का जुगाड़ हो जाता। फिर हम सोचे अब हम जोन में चलते हैं आराम से, ठीक है, हम सोचे अब आराम से मस्त अपना जोन में चलते हैं। तो इतनी ही देर में हम जोन में निकल लिए, क्योंकि भाई टाइम बचा था बहुत, जोन में नहीं जाते तो इतना गंदा डैमेज होता कि क्या ही बताएं। तो भाई यहाँ पे हम तैरना सबसे बोरिंग काम है, इसीलिए भाई हम गाड़ी हमेशा अपने साथ रखते हैं, बट क्या करें 3 नंबर गाड़ी को तो पता नहीं हम माचिस मार दिए थे। फिलहाल भाई यहाँ पे अभी बहुत बंदे ऑनलाइन थे, इन गेम भी थे, तो हमारे टीममेट ने एक बंदे को नॉक कर दिया। हमें यहाँ तरफ से फायरिंग का साउंड आया ड्रॉप के पास से, हमें लगा सामने कोई ना कोई तो है। फिर तो हमने स्कोप खोला, हमको एक बंदा दिखा, मैसेज के लिए सॉरी, हमको एक बंदे का फायरिंग दिख गया, हम उसको नॉक करने का कोशिश कर रहे हैं, गोलियां पड़ी उसको, नॉक हो गया बंदा। फिर हमको ये सूझा
कि वो किसी पे फायर कर रहा था क्राउच करके, मतलब वहाँ पे कोई और भी ज़रूर होगा। तो फिर हम फटाक से अपना गन को करे पीछे कंधे पर और भागे एकदम। हम सोचे हमको 10 किल निकालना है तो निकालना ही है। तो भाई 5 किल हमारा हो चुका था, हमें चाहिए थे और किल्स। तो हमें यहाँ पर से साउंड आया, यहाँ ये बंदा सांप बन के बैठ रखे हैं, 2 MK का गोली में ख़त्म बंदा, ठीक है। फिर हम आ गए यहाँ पर, तो हमें राइट से किसी ने गोली मारने का हिम्मत कर दिया। हम निकाले अपना M4, खोले स्कोप, दिया नॉक, किया फिनिश सीधा। राइट से हमको फिर से फायरिंग का साउंड आ गया, हमको यहाँ पे बंदा दिख गया। ये बंदे का रिलोडिंग का टाइम का हम फायदा उठाए, सीधा फिनिश। ये इसी नीट का स्क्वाड का था। हम यहाँ से हमने थोड़ी सी गोलियाँ वगैरह उठा ली और हम अब चले गए जोन के अंदर। बचे थे 7 बंदे, हमें किल्स चाहिए थे, ठीक है। 7 में से 1 था हमारा टीम में, 6 बचे, 6 में से 2 हम, 4 बचे, ठीक है। हमारे को चाहिए थी किल्स पे किल्स। तो हम जब यहाँ पे आ रहे थे ना, तो हमको एक बंदा दिख गया, किस्मत ख़राब था हमको दिख गया। हम पुटर 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 MK का स्प्रे दिए, 9 किल। हम सोचे एक और किल हमको चाहिए तो चाहिए। बचे थे 3 बंदे, 3 का मतलब आखिरी, जो मार दिया चिकन उसका, ठीक है। हम जैसे ही जा रहे थे ना, हमें वहाँ से पानी पर ना साउंड आया, हमें बहुत गंदा साउंड आया। हमें बंदा दिख गया, हमने कोशिश की, बट बंदा अच्छा स्विमर निकला है, ओलंपिक में नाम लिखवा दो इसका। बट हम भी तो अच्छे शूटर हैं, हमारा भी नाम लिखवा दो ओलंपिक में। और इसी के साथ विनर विनर चिकन डिनर। तो भाई सिल्वर 3 पे हैं हम अभी, हमें जाना है इस सीज़न एस, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छी लग रही है ना, मेरे को पता है अच्छी लग रही है यार, भाई बहुत मेहनत लगता है बनाने में। तो भाई फिलहाल यार हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, हम यहाँ पे अपना गन को अंदर करते हैं, टाइम पास के लिए 2 इमोट मारते हैं। और भाई वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो भाई अगर अच्छा लग रहा है तो आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी मेरा हिम्मत बढ़ेगा, तभी मेरा जज्बा बढ़ेगा और मैं और भी अच्छा गेम ला पाऊंगा, है ना। तो फिलहाल भाई यार यहाँ पे हम लोग चलते हैं एक बार लॉबी में, क्योंकि भाई लॉबी में हमारा एक पेज आएगा जिसमें लिखा रहेगा New Tier Silver 2, वो देखने में हमको बहुत मज़ा आती है। और भाई जल्दी हम हमारे दोस्त के साथ भी खेलेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।